और दावा यह किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप का ये विद्रोह पहले से स्क्रिप्टेड था और इसकी स्क्रिप्ट क्रेमलिन में ही लिख दी गई थी और जिसके किरदारों में येवगेनी प्रिगोजिन और व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ बेलारूस के राष्ट्रपति भी शामिल थे, जिन्होंने अब वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस में पनाह देने का नाटक भी किया। लेकिन दरअसल ये नाटक इसीलिए किया गया ताकि वैगनर ग्रुप को क्यू को घेरने की जिम्मेदारी दी जा सके। जाहिर है कि अब प्रिगोजिन और उनकी प्राइवेट आर्मी पूर्वी यूरोप के भी करीब पहुंच जाएगी और इससे पूर्वी यूरोप के नेटो मुल्कों में दहशत का माहौल भी रहेगा। अमेरिका नेटो को लग रहा था कि 4 जून से यूक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सेना की रक्षा पंक्तियों को तबाह कर डालेगा, लेकिन हकीकत में यूक्रेनी सेना के 250 से ज्यादा टैंक महज 17 दिन में तबाह हो गए। यहां तक कि काउंटर अटैक के पहले हफ्ते में यूक्रेनी सेना के 10,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से मिले घातक टैंक बख्तरबंद सब तबाह हो गए। इसीलिए पश्चिमी देशों ने वैगनर के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन को हराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। अब वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके पुतिन के लिए फिर से वफादार हो गए, जबकि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस चले गए हैं। खबरों के मुताबिक रूस में वैगनर आर्मी ने विद्रोह शुरू किया तो पुतिन ने लुकाशेंको को फोन घुमाया। काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई कि कैसे वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को मनाया जाए। एक प्लान तैयार होता है और बातचीत गुप्त रहते हुए फोन कट जाता है। कुछ देर बाद लुकाशेंको येवगेनी को फोन लगाते हैं और थोड़ी देर में फैसला हो जाता है कि वैगनर लड़ाके मॉस्को से बाहर जाएंगे और येवगेनी बेलारूस जाएंगे। इस बातचीत के कुछ देर बाद येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को आदेश देते हैं कि रूस के सैनिक उनके अपने हैं, वो खून खराबा नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोग मॉस्को से निकल जाएं। ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि क्रेमलिन पर कब्जे का इरादा रखने वाले येवगेनी प्रिगोजिन अचानक अपने लड़ाकों को वापस भेजने लगा और खुद बेलारूस जाने की बात करने लगा। इसे हम आपको आगे बताएंगे, पहले आप ये भी सुन लीजिए कि वैगनर चीफ क्या कह रहा है। Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. 5 मिनट की जंग में फंसे ज़ेलेंस्की। असल में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को में एक भी गोली नहीं चलाई और ना ही खून बहाया। इसके पीछे पुतिन का वो वॉर गेम है जिसने यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। अब खबर आ रही है कि वैगनर ग्रुप के चीफ बेलारूस क्यों जा रहे हैं। बेलारूस से यूक्रेन पर वैगनर का हमला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर लड़ाके यूक्रेन पर अब बेलारूस से हमला करने जा रहे हैं। बेलारूस के दक्षिण में यूक्रेन है जबकि उत्तर पूर्व में रूस। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत और सोलेदार पर वैगनर ने कब्जा करने के बाद वहां पर रूसी सेना को इलाका सौंप दिया है। अब सवाल उठता है कि बेलारूस की तरफ से वैगनर क्यों हमला करेगा। असल में पुतिन ने अपने परमाणु बम बेलारूस भेज दिए हैं, लेकिन इनका तभी सही तरह से इस्तेमाल हो सकता है जब बेलारूस की तरफ से रूस की पकड़ मजबूत हो। इसीलिए वैगनर के 25,000 लड़ाके बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करेंगे। वैगनर के 25,000 लड़ाकों को यूक्रेनी सेना से लड़ने में महारत हासिल हो चुकी है, इसीलिए बखमूत के बाद अब बेलारूस की तरफ से वैगनर यूक्रेनी सेना पर हमला करेगा। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर मॉस्को और रोस्तोफ में जबरन घुसने वाले वैगनर लड़ाकों को माफ कर दिया गया है और उन्हें मौका दिया गया है कि एक बार फिर से ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पर भीषण हमला करें। वैगनर
रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने महज 5 मिनट के भाषण से यूक्रेन और नेटो का प्लान चौपट कर दिया है। अब सवाल उठता है कि जब वैगनर लड़ाके बेलारूस से यूक्रेन पर हमला करेंगे तो ऐसे हालात में यूक्रेन दो तरफ से होने वाले हमलों से कैसे निपट पाएगा। वैगनर के नाम से ही यूक्रेन की फौज सदमे में आ जाती है। अब देखते हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में क्या होता है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने रविवार को रूस के अंदरूनी हालात पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद आशंका इस बात की जाहिर की है कि जिस तरह से वैगनर ग्रुप का नया ठिकाना बेलारूस बन रहा है, ऐसे में नेटो को चाहिए कि वो पूर्वी यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त कर ले, और इसलिए कर ले क्योंकि आशंका इस बात की जताई जा रही है कि वैगनर ग्रुप का अगला निशाना पूर्वी यूरोप के देश हो सकते हैं। क्योंकि वैगनर ग्रुप का आगे का इरादा क्या है ये साफ अभी तक नहीं हो पाया है। बेलारूस में ठिकाना बनाने के पीछे बड़ी योजना भी हो सकती है। सिर्फ लिथुआनिया नहीं बल्कि सभी नेटो मुल्कों के लिए खतरा इस वक्त बताया जा रहा है। लिथुआनिया को बहुत ही ज्यादा खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी होगी और अगले महीने हो रही लिथुआना में नेटो का एक शिखर सम्मेलन भी है। और अब जरा आप समझिए कि आखिर क्या वजह है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति बहुत ज्यादा परेशान है बेलारूस में येवगेनी प्रिगोजिन के नए ठिकाने की वजह से पूर्वी यूरोप में दहशत आखिर क्यों है, और इसे हम आपको अब इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे वॉल पर कि आखिर किस तरीके से बेलारूस की सीमा से 4 ऐसे मुल्क सटे हुए हैं जो कि नेटो के सदस्य देश हैं। और इस पर आप नजर डालिए, जिस तरह से ये तस्वीर अब दिखाई दे रही है, बेलारूस में अब मौजूदगी है एक ऐसे शख्स की जिसने की बगावत की, लेकिन अब जबकि वो बेलारूस पहुंच चुका है, लेकिन कुछ ऐसे देश इसी सीमा से लगे हुए हैं जो कि नेटो के सदस्य हैं, और इसीलिए भी अब इनकी यहां मौजूदगी और नई रणनीति बेहद अहम है। और ये इसलिए भी दरअसल खतरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया ये सबसे स्मॉल कंट्रीज हैं जिन्होंने यूक्रेन को, जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था तो सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। तो देखिए, अगर मैप आप ध्यान से देखें तो रूस, बेलारूस और इनके ठीक बगल में एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, जिन्हें बाल्टिक कंट्रीज भी कहा जाता है क्योंकि बाल्टिक सागर के बिल्कुल बगल में मौजूद है, इन पर खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि एक तो नेटो के सदस्य हैं ये, और ऊपर से सबसे पहले सामने आए थे यूक्रेन की मदद करने को लेकर। अब ऐसे में आशंका इस बात की जताई जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि येवगेनी प्रिगोजिन अब बेलारूस में लॉन्चिंग पैड की तरह जिसे इस्तेमाल किया जाता है वहां से अब इन कंट्रीज पर निशाना साधने की कोशिश करें, वहां पर अटैक करें। और देखिए, जो मुल्क है अब इन मुल्कों के करीब बेलारूस में एक तरफ आप देखेंगे कि रूस के परमाणु बम तैनात हो चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुतिन की पलटन की सबसे खौफनाक प्राइवेट आर्मी भी अब यहीं पर पहुंच चुकी है। और लिथुआनिया ने ये देखा है कि वैगनर के लड़ाके किस तरीके से युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर जंग लड़ते हैं, और ऐसा ही कारण है कि उन्हें डर है कि बेलारूस के रास्ते पूर्वी यूरोप के मुल्कों पर वैगनर ग्रुप का अटैक हो सकता है। और मॉस्को ये अब कह करके इससे पल्ला भी झाड़ सकता है कि ये विद्रोही ग्रुप की हरकत है और अब उसका वैगनर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए बेलारूस में अब एक स्ट्रेटेजिकली उसकी तैनाती कर दी गई है। और अब जबकि ये माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों की यहां पर मौजूदगी है, बेखौफ होकर के जब भी जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि एक तीर से दो निशाना, एक तरफ वैगनर ग्रुप का जो विद्रोह था उसे भी दबा दिया गया, वहीं जो दुश्मन देश थे रशिया ने उन्हें भी साथ लिया। और वहीं इधर पश्चिमी मीडिया ने अब दावा किया है कि वैगनर ग्रुप की बगावत को कुचलने के लिए चेचन कमांडर के 25,000 जवानों की तैनाती कर दी गई थी। रमजान कादिरोव ने पहले वैगनर चीफ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वैगनर चीफ नहीं माना तो रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाके वैगनर ग्रुप के खिलाफ उतार दिए। और अब दावा इस बात का किया जा रहा है कि प्रिगोजिन कादिरोव से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता था। पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया की नजरें मॉस्को पर लगी हुई हैं। दुनिया ने वैगनर को यह कहते हुए सुना कि वो पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा।
पूरी दुनिया ने पुतिन का वो बयान भी सुना जिसमें पुतिन ने कहा कि बगावत करने वाली हर ताकत का फन कुचल दिया जाएगा। इसके बाद दुनिया ने वैगनर चीफ को पीछे हटते भी देखा, लेकिन दुनिया ने जो नहीं देखा वो ये है। पुतिन ये देखकर चौंक गए कि उनके खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर चीफ की इतनी जबरदस्त लोकप्रियता कैसे है। आखिर कैसे लोग वैगनर चीफ पेरोगिन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेकरार हो रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं और आगे हम इनको डिकोड करने वाले हैं। लेकिन पेरोगिन की बगावत और पेरोगिन के समझौते के बीच एक और अहम कड़ी साबित हुआ पुतिन का सबसे खतरनाक सेनापति, पुतिन का सबसे वफादार सेनानायक रमजान कादिरव। इधर मॉस्को में पुतिन बेचैन थे, उधर चेचन्या के अंदर रमजान कादिरव का भी खून खौल रहा था। कैसे रमजान कादिरव ने वैगनर चीफ पेरोगिन को फोन किया और पेरोगिन को समझाने की कोशिश की, और कैसे जब रमजान कादिरव ने अपने सबसे एलीट और खून के प्यासे कमांडो मॉस्को भेजे तो पेरोगिन को झुकना पड़ा, ये पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन के बेहद तेज दिमाग की, जिन्होंने बहुत तेजी से बिगड़ती परिस्थितियों के बीच में हालात को अपने काबू में किया और वैगनर के अंदर पनप रही एक बहुत बड़ी साजिश को भी फेल कर दिया। दरअसल पिछले एक महीने से लगातार पेरोगिन खाली बैठा हुआ था, पेरोगिन के पास कोई काम नहीं था। रोस्तोफ शहर में पेरोगिन अपने हजारों लड़ाकों के साथ कैंप में था और कई एक्सपर्ट्स ने ये दावे किए कि पेरोगिन के साथ वैगनर ग्रुप के विदेशी लड़ाके भी रूस में घुस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैगनर ग्रुप दुनिया के एक दर्जन देशों में फैला हुआ है। वैगनर आर्मी की मूवमेंट को लेकर खबर तो ये भी आ रही है कि फिलहाल तो वैगनर ग्रुप ने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन इस दौरान पुतिन की सेना से लड़ने के लिए वैगनर ग्रुप अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। और दावा साथ में ये भी किया जा रहा है कि 11 देशों में फैले वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के खिलाफ जंग में शामिल हो सकते हैं। रूस, यूक्रेन, सीरिया, सूडान, मेडागास्कर, लीबिया, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, माली, बेलारूस और बुर्किना फासो। ये वैगनर ग्रुप की ताकत है, ये पुतिन के इशारों पर बनी सबसे खतरनाक फौज का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। लेकिन ये रिपोर्ट भी आई कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों और सीरिया से भी वैगनर ग्रुपों का जत्था लड़ने के लिए और पेरोगिन का साथ देने के लिए रूस आ रहा था। पुतिन ने इस संकट का समाधान करने के लिए सबसे पहले वैगनर चीफ पेरोगिन को बातचीत की टेबल बताया और पुतिन ने विद्रोहियों को जिस तरह धमकाया और डराया उसका असर भी देखने को मिला। К личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. पुतिन ने साफ कहा कि वैगनर आर्मी के जो सैनिक रूस के साथ हैं और जिन्होंने सोलेदार और बखरूत में जीत दिलाई है उन सबका पूरा सम्मान किया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने देशद्रोह किया तो बागियों के फन को चल दिए जाएंगे। इसके बाद पेरोगिन के हर आदमी की सारी जानकारी हासिल की जाने लगी और इसके अलावा पेरोगिन को अपने ही लड़ाकों के बीच अलग थलग करने की कोशिशें शुरू हो गई और इसी दौरान चेचन्या में मौजूद रमजान कादिरव से भी पेरोगिन को धमकी दिलवाई गई। रमजान कादिरव ने ऐलान कर दिया
पुतिन के खिलाफ हुए विद्रोह को कुचल दो। यदि कोई भी कठोर